साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर के नेतृत्व में एसीपी अखिलेश्वर स्वरूप यादव की टीम ने साउथ दिल्ली से एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसे साउथ दिल्ली का बंटी और बबली गैंग कहते थे। इस गैंग में हिमांशु, हिमांशु की पत्नी काजल और मोहम्मद आस नाम का एक आरोपी है जो इस पूरे मामले को अंजाम देता था। बाइक से ये जाते थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। साउथ दिल्ली में जो सैनिक फार्म का इलाका है, जो नेबसराय अंतर्गत इलाका पड़ता है, इस इलाके में ये लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे और एमबी रोड से होते हुए संगम बिहार खानपुर का देवली का जो इलाका है यहाँ छुप जाते थे। मेरे ठीक पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये वही इलाका है जहाँ पर ये छुपते थे और यहाँ रहते थे। इस मामले में तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा केसेस इन आरोपियों के खिलाफ अब तक दर्ज हो चुके थे और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले काफ़ी दिनों से इन लोगों को तलाश किया जा रहा था और आखिरकार इस मामले में काजल और मोहम्मद आस को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में हिमांशु अभी तक फरार है और इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे गैंग में जो जिस तरह से काजल की भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि अगर कहीं फंसते थे तो वो महिला खड़ी होती थी और वो चिल्ला करके वो वहाँ से किसी तरह से अपने टीम का बीच बचाव करके वहाँ से निकल जाती थी।